मुंबई में सहारा स्टार होटल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब सरकार द्वारा पहली बार पंजाब पर्यटन शिखर सम्मेलन और ट्रैवल मार्च शुरू करने के लिए कई रणनीतिक पहलों की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में पंजाब की पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान की उपस्थिति रही। अनमोल गगन मान ने बताया कि प्रदेश की विरासत और संस्कृति को देश विदेश तक पहचान दिला पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की दिशा में यह पहल की जा रही है। यह 11 से 13 सितंबर तक मोहाली में आयोजित किया जाएगा। इसका लक्ष्य राज्य को अपनी समृद्ध विरासत, परंपराओं, कला रूप और रीति रिवाज को शामिल करते हुए पर्यटन के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। पंजाब ट्रैवल मार्ट का लक्ष्य देश के दूरदर्शी पर्यटन पेशेवरों को पंजाब में लाना और राज्य को एक शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। इस आयोजन में विदेशी और घरेलू टूर संचालक, DMC, DMO, ट्रैवल ट्रेड मीडिया, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, होटल ऑपरेटर, B&B और फार्म स्टे के मालिक, पर्यटन बोर्ड आदि की भी भागीदारी होगी। 5 शहरों अमृतसर, रूपनगर, लुधियाना, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब के विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष आकर्षण के रूप में उभरने के साथ पर्यटन विभाग अब राज्य को भारतीय पर्यटन में सबसे आगे लाने और 2030 तक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। देखिए, ऑलरेडी जो पंजाब में टूरिज्म का है, फुटफॉल टूरिस्ट की हमारे पास बहुत ज़्यादा है। 1 लाख बंदा डेली अमृतसर साहिब आ रहा है, 25,000 अटारी बाघा बॉर्डर पे आ रहा है। तो अभी हम लोग डिफरेंट जो सर्किट्स हैं पंजाब में वो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो हेरिटेज सर्किट है, वी हैव ब्यूटीफुल फोर्ट्स, पैलेसेस, चाहे वो देशभक्ति का सर्किट हो तो जलियांवाला बाग आके देख सकते हो, नेचर सर्किट है होशियारपुर, रोपड़, पठानकोट, इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, लश ग्रीन लैंड, माउंटेन्स, एवरीथिंग वी हैव। सो एडवेंचर टूरिज्म एंड वाटर टूरिज्म, उसमें हमने रिसेंटली पॉलिसी लॉन्च की है। अभी एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स में जितनी हमारी वाटर, क्योंकि पंजाब इज अ लैंड ऑफ रिवर्स, तो हम जंगल और पानी पे जो पूरा टूरिज्म डेवलप करने जा रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्टर्स को, टूर ऑपरेटर्स को, हम जो इन्वेस्टर समिट हमारा हो रहा है 11th, 12th और 13th ऑफ सितंबर, आप सभी आइए, टूरिज्म समिट एंड ट्रेवल मार्ट, तो पंजाब की पोटेंशियल अच्छे से बताएंगे, अच्छी हॉस्पिटैलिटी आपको और फार्म ट्रिप भी जो है हमारे करवाएंगे। तो बहुत सारे सर्किट हैं जो अभी हम, चाहे वो एडवेंचर का है, वाटर का है, हेरिटेज का है, पेट्रियाटिक है, रिलीजियस सर्किट है, बॉर्डर टूरिज्म है, एवरीथिंग वी हैव इन पंजाब। तो उसको अभी बड़ा अच्छे से दुनिया को दिखाएंगे व्हाट इज पंजाब। देखिए, सबसे पहली प्रेफरेंस है हमारे अपने देश के जो इन्वेस्टर हैं, तो अभी हम रोड शोज कर रहे हैं, कल जयपुर में किया है, टुडे वी आर इन बॉम्बे, सो कल हमारा अपना हैदराबाद है और परसों दिल्ली है। सो पूरे कंट्री में हम लोग जो इन्वेस्टर और टूर ऑपरेटर्स हैं 1-to-1 मिल रहे हैं कि पंजाब का बताना जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको, क्योंकि पंजाब का इतना तो सभी को पता है कि रिलीजियस टूरिज्म बहुत पॉपुलर है और बॉर्डर टूरिज्म, लेकिन वी हैव एवरीथिंग इन पंजाब। स्पेशली इट्स लैंड ऑफ बाबा नानक, इट्स लैंड ऑफ वॉरियर्स, इट्स लैंड ऑफ सैक्रीफाइस, इट्स लैंड ऑफ लश ग्रीन लैंड, इट्स लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो नेचर है, जंगल है, लंगर लगता है दुनिया में, वो सिखिज्म का ओरिजिन पंजाब में हुआ है, एवरीथिंग वी हैव, और उसको अच्छे से अभी पूरे का पूरा हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि नई सरकार है भगवंत मान जी की, श्री अरविंद केजरीवाल जी की नई सरकार है, नई सोच है, यंग बच्चे हम मिनिस्टर हैं, तो हम अग्रेसिवली पैशनेट हैं, जो नई जनरेशन है, तो करके आपको दिखाएंगे। आप लोग सपोर्ट करो, सारे एक दूसरे को सपोर्ट करनी जरूरी है, और पंजाब में आइए, आपको अच्छा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, और पहले की सरकारों के जैसे हम बॉदर नहीं करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे जो भी, चाहे वो हमारा इन्वेस्टर आ रहे हैं, चाहे वो ऑपरेटर आ रहे हैं।
पंजाब के लोग कैसे हैं? इकोनॉमी तो ऑब्वियसली देखिए, अगर टूरिस्ट बढ़ता, जितना टूरिस्ट बढ़ेगा टूरिज्म बढ़ेगा, मैं इन्वेस्ट पंजाब की भी मिनिस्टर हूँ, मेरी इंडस्ट्री भी उतनी ग्रोथ करेगी और एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है टूरिज्म से, और डेफिनेटली यहाँ पे टूरिज्म आई है तो ऑटोमेटिक जो स्टेट का रेवेन्यू सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा ही जाता है, और हम चाहते हैं कि जितना हमारा टूरिस्ट है उसको हम सर्कुलेट कर दें पूरे पंजाब और पूरा देश देखे, जो दिल है पंजाब देश का, पंजाब के भगत सिंह फ्रॉम पंजाब, बड़े बड़े जितने और पंजाबी म्यूजिक है, आई एम सिटिंग इन बॉम्बे आफ्टर बॉलीवुड, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री इन द कंट्री, तो वाइब्रेंट कलरफुल फुल ऑफ लाइफ स्टेट है। आइए, आपकी हमारा 13 सितंबर को समिट है और वहाँ पे हम आपको फुल जो प्रेजेंटेशन है पंजाब का विद वीडियोस एवरीथिंग एंड न्यू पॉलिसीज वी आर लॉन्चिंग, वेलनेस टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, हमारी जो कल्चर की पॉलिसी है, तो बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ पे हम आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। पंजाब में टूरिज्म की संख्या बढ़ाने के लिए आप और आपकी सरकार क्या कर रही है? सर, मैंने अभी बताया, ये सारा जितनी मैंने डिटेल बताई है कि वी ट्राइंग आवर बेस्ट, तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती, और हमारे सीएम साहब भगवंत मान जी पर्सनली जो टूरिज्म को आगे लेके जाने पे लगे हुए हैं, और करेंगे क्यों नहीं करेंगे, हमारे पंजाब एक पंजाब को ही आए और उसका दिल खुश ना हो, ये हो नहीं सकता, और अभी इसको टूरिज्म को ऐसे बढ़ेगा पंजाब का जितना, मतलब हमारे पास 1,25,00,000 बंदा डेली आ रहा है, उसको और जो देशवासी हैं मैं उनको सभी को, पूरे देश के जितने हमारे यूथ है, ये एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग, तो आइए आप पंजाब के खेत देखिए, ऑथेंटिक विलेज लाइफ देखिए, और फार्म स्टेज का जो मजा लें, वहाँ के रिवर्स का, वाटर का, जंगल का, हर चीज वी हैव इन पंजाब। थैंक यू मैडम। बॉलीवुड से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, वहाँ जो सीएम है बॉलीवुड से रिलेटेड है, इस्लाम से रिलेटेड है, इनमें भी काफ़ी रहे हैं भगवान मान लो, और बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकार हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, सब पंजाब से रिलेटेड हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर भी अच्छे पंजाब से रिलेटेड हैं, पंजाब ही बॉलीवुड है पंजाब के बहुत रिलेटेड करते हैं, राज्य सरकार। सर, अभी हम एक कल्चर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं और एंटरटेनमेंट पॉलिसी भी लेकर आ रहे हैं, उसमें काफ़ी जो बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, तो हमारी जितनी भी कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो वो प्री प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में, फिल्म सिटीज में या मूवीज में, तो डेफिनेटली सरकार की उनको पूरी सपोर्ट है जी। हाँ, उसका हम सारा प्लान कर रहे हैं, उसका नई पॉलिसी वी आर क्रिएटिंग, और जिसने शूटिंग भी करनी है, और बॉम्बे के जितने हमारे रिस्पेक्टेड प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सभी को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आप बैठिए हमारे साथ, जो साइट, जो फोर्ट, जो किला, जैसा जगह चाहिए होगी, रिवर्स चाहिए, खेत चाहिए, पुराने महाराजा के किला चाहिए, सब अवेलेबल करवा के देंगे।